एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। टैली में सेल्स मैनेजमेंट के लिए प्राइस लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिससे हम होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर्स अलग अलग हम प्राइस लेवल बनाते हैं और उसके अंतर्गत उसकी हम प्राइस लिस्ट सेट करते हैं, जिसमें क्वांटिटी के आधार पर उसका रेट तथा डिस्काउंट डिफाइन कर लेते हैं, जिसे हमारे कस्टमर्स को कोई भी बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता है तथा हम सेल्स भी बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ कर सकते हैं। कम्प्लीटली रेट को समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो, जिसमें हमने स्टॉक आइटम्स के लिए कम्प्लीट स्टैंडर्ड रेट कैसे हम निर्धारित करते हैं, परचेजिंग कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्राइस लिस्ट को हम कम्प्लीटली टैली में करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं टैली में कम्प्लीट प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट करके देखते हैं। एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख पा रहे हैं हम गेटवे ऐप टैली के मेन विंडो पर हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज का टॉपिक है प्राइस लेबल एंड प्राइस लिस्ट। प्राइस लेबल के अंतर्गत हम प्राइस लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, प्राइस लेबल हम कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें सेटिंग को एक्टिवेट करना होता है और सेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए हम F11 प्रेस करें या फिर बटन बार पर जा करके फीचर्स पर क्लिक कर दें। आप देख रहे हैं कंपनी फीचर्स के अंतर्गत इन्वेंट्री फीचर्स पर हम आएँ, यहाँ क्लिक करें या फिर हम आई प्रेस कर देंगे तो इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट होकर के आ गया। यहाँ पर हम एंटर करते हुए आते हैं, यहाँ यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस को यस करना जरूरी होता है, इसे हम यस करके रखते हैं तथा हम सेल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत यूज मल्टीपल प्राइस लेबल ऑप्शन को भी यस करते हैं। यहाँ जब हम यस करेंगे तो हमारा कंपनी प्राइस लेबल आ जाएगा, इसमें होलसेलर एंड रिटेलर्स के लिए हम यहाँ से प्राइस लेवल तैयार करते हैं। यदि हमें डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर्स या अदर कोई भी हमें प्राइस लेवल तैयार करना है जिसके अंतर्गत हमें प्राइस लिस्ट बनाना है तो हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको कंट्रोल ले करके हम सेव कर लेंगे तो हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हुए हम बैक आ जाएंगे। हम चलते हैं, अब यहाँ हमें प्राइस लिस्ट तैयार करनी है, चूँकि हमने प्राइस लेवल बना लिया, हमें प्राइस लिस्ट तैयार करनी है। तो प्राइस लिस्ट के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं गेटवे ऐप टैली के अंतर्गत इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप, आइटम, यूनिट ऑफ मेजर जो कि पहले से अवेलेबल है, इसके बारे में आपको मालूम है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो हमारा अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री की वीडियो जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आज टॉपिक है प्राइस लिस्ट, आप देख पा रहे हैं इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत प्राइस लिस्ट आ गया है और ये हाईलाइटेड है। यदि हमारे पास स्टॉक आइटम नहीं बना रहता है तो प्राइस लिस्ट धुंधला दिखाई देता है या हाईलाइट नहीं रहता है। तो चूंकि इसमें हमने कुछ आइटम क्रिएट करके रखे हुए हैं पहले से, उसे हम आपको यहाँ से दिखाएं, कीबोर्ड एंड माउस हमने यहाँ बना रखा है, इसलिए यहाँ पर आपको प्राइस लिस्ट हाईलाइट मिल रहा है। हम चलते हैं यहाँ से प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं। प्राइस लिस्ट पर हम आते हैं, आप देख पा रहे हैं स्टॉक ग्रुप नेम में ऑल आइटम्स सिलेक्ट होकर के आ रहा है, चूँकि लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप में केवल ऑल आइटम्स यहाँ शो हो रहा है, बिकॉज हमने जो दोनों आइटम बना रखा है उसका हमने प्राइमरी ग्रुप डाला हुआ है, इसलिए यहाँ और कोई ग्रुप का आइटम नहीं अवेलेबल है। नहीं तो यहाँ इंडिविजुअल कोई ग्रुप चुन करके उसके अंतर्गत आप उसकी प्राइस रिटेलर या होलसेलर के अंतर्गत उसका प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ से चुन लेते हैं ऑल आइटम, प्राइस लेवल हम होलसेलर प्राइस लेवल सबसे पहले बना लेते हैं, या हम एप्लीकेबल फ्रॉम मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उससे हम इसको एप्लीकेबल कर रहे हैं। हम चलते हैं एंटर करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही प्राइस लिस्ट बना रखा है होलसेलर के अंतर्गत। यहाँ देखिए अंडर ग्रुप में ऑल आइटम्स है, प्राइस लेबल में होलसेलर है, एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2020 से है। आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर क्वांटिटीज, रेट, डिस्काउंट, इधर स्टोरियल डिटेल्स में आपका रेट डिस्काउंट है और आपका कॉस्ट प्राइस, ये देख रहे हैं यहाँ प्राइस कॉस्ट प्राइस आपका शो कर रहा है जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि यदि आपको स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट से कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी पिछली वीडियो आप जरूर देख लें जो स्टैंडर्ड रेट पर आधारित है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से जाकर के आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं हम पर्टिकुलर में, हमने कीबोर्ड चुना यहां,
जैसे अभी हम स्पेस बार प्रेस करते हैं, हमने यहाँ पर कीबोर्ड चुन लिया जो कि पहले से है। यहाँ आप देख रहे हैं क्वांटिटी के अंतर्गत फ्रॉम एंड लेस देन अवेलेबल है। फ्रॉम हम यहाँ जिससे स्टार्ट करते हैं, जिससे जीरो, अभी इसमें ब्लैंक है, मीन्स जीरो से लेकर के 50 नॉट से कम, 50 नॉट से कम मतलब 49 तक ये रेट तथा ये डिस्काउंट डिडक्ट करेगा। यहाँ 250 रुपये हमारा स्टैंडर्ड रेट है और यहाँ हमने 10% डिस्काउंट दे रखा है। 50 पीस से कम, अगर 49 पीस तक हम होलसेलर को सेल करते हैं तो उस पर ऑटोमेटिक 10% डिस्काउंट डिडक्ट कर जाएगा। हम चाहें तो रेट में परिवर्तन कर सकते हैं, डिस्काउंट रखना चाहें तो रखें, नहीं तो ना रखें। यदि हमें रेट कम ज़्यादा करके सेलिंग कर रहे हैं, अपना लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट हमने रेट सेम रखा हुआ है और डिस्काउंट को कम ज़्यादा किया हुआ है। यहाँ से इस तरह से एंटर करते आएंगे 50 से लेकर के, चूंकि 50 यहाँ फिर क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ 49 तक ही था, अब 50 से लेकर के 100 से कम मतलब 99 पीसेस तक वही 250 रेट 15% डिस्काउंट इस पर डिडक्ट करेगा। इस तरह से हम 100 से लेकर के 100 अब जितना भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उस पर रेट 250 रेट होगा, 250 रुपये जो रेट है हमारा, और 20% मैक्सिमम डिस्काउंट हम प्रोवाइड करेंगे अपने होलसेलर को। इसी तरीके से माउस के लिए हमने बनाया हुआ है, 50 नॉट्स तक हम, इट मीन्स 49 नॉट्स तक हम 110 रुपये रेट से 7% डिस्काउंट, 50 से लेकर के 100 के अंदर तक हम 110 रुपये रेट से 10% डिस्काउंट, तथा 100 से लेकर के अब जितना भी हम पीसेस सेल कर रहे हैं उस पर हम मैक्सिमम 15% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमने होलसेलर के लिए प्राइस लिस्ट तैयार कर रखी है। हम चलते हैं रिटेलर के लिए, हम प्राइस लिस्ट तैयार कर लेते हैं, यहाँ से एंटर करके आते हैं। इसके लिए भी मैंने यहाँ से प्राइस लिस्ट बना रखा है, जिसमें ऑल आइटम हो गया, प्राइस लेबल जो हमारा बन रहा है रिटेलर्स के लिए है। यहाँ एंटर करते हैं कीबोर्ड में, 10 पीस से अगर कम ले रहा है तो 250 रेट से 5% डिस्काउंट उसको प्रोवाइड होगा, 10 से 20 तक अगर है तो 10% डिस्काउंट होगा, 20 से लेकर के अब चाहे जितनी भी पीसेज वो ले रहा है 15% से ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट लेवल 15% है। इसी तरीके से माउस में आप देख रहे हैं, यहाँ 10 नॉट से कम अगर हम ले रहे हैं सेल कर रहे हैं तो रेट वही होगा, 3% डिस्काउंट होगा। अगर हम 10 to 20 तक कर रहे हैं तो रेट वही होगा, यहाँ 7% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे हम। 20 अब जितनी भी पीसेस हम सेल कर रहे हैं उस पर हम 12% मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास और भी आइटम्स हैं तो उसका भी हम यहाँ से प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आपने देखा कि हम प्राइस लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। अब हम चलते हैं, जो हमने प्राइस लिस्ट तैयार किया है प्राइस लेवल के अंतर्गत, उससे रिलेटेड एंट्रीज को हम कुछ पोस्ट करके देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, हमने कुछ लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, उसे आपको मैं दिखाता हूं। यहां से मुदित अकाउंट है, मुदित अकाउंट पर हम जाएंगे, सेंड्री रेटर अंडर ग्रुप में गया है, प्राइस लेवल एप्लीकेबल रिटेलर हैं ये, रिटेल इनको मैं सेल करता हूँ, हमारे रिटेलर हैं। यहाँ से इसको कंट्रोल ले करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से होलसेल के लिए हमने राजेश का एक खाता बनाया हुआ है, ये भी सेंड्री रेटर हैं। प्राइसिंग लेवल में जो आपका एप्लीकेबल है होलसेलर के लिए है, एंटर करते हुए हम आते हैं, कंट्रोल लेकर के हम सेटिंग को सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज को हम सेल्स में पोस्ट कर लेते हैं। हम ट्रांजेक्शन के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं, एंटर करते हैं, हम सेल्स वाउचर में हैं। मान लीजिए 2 अप्रैल को हम यहाँ से डेट चेंज करना चाहें, हम 2 अप्रैल को माल सेल कर रहे हैं। हम यहाँ रिफरेंस में रिफरेंस नेम डाल देंगे और एंटर करेंगे, या हमने पार्टी नेम चुन लिया, एंटर करते हुए हम नीचे आ जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने राजेश को प्राइसिंग लेवल में होलसेलर में एप्लीकेबल करा हुआ है, इसलिए यहाँ प्राइस लेवल में होलसेलर आ गया है। यहाँ से हम सेल्स लेजर चुनेंगे, हम यहाँ देते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड मान लीजिए हम 20 पीसेस कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 250 रेट है, 10% डिस्काउंट ऑटो डिडक्ट हो गया, का अमाउंट आ गया हुआ है। अगर हम ये क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, 70 हमने कर दिया, तो आप देख पाएंगे डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ से गेन कर गया, जैसा कि हमने प्राइस लिस्ट में डाल रखा है। अगर इसे हम और बढ़ा देते हैं क्वांटिटी को, तो चूंकि जो प्राइस लिस्ट तैयार की गई है वो क्वांटिटी बेस पर है, क्वांटिटी के आधार पर उस पर डिस्काउंट डिडक्ट होता है, जितनी क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं उसी हिसाब से उसका डिस्काउंट डिडक्ट होता है।
तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट डिटेक्ट कर जा रहा है। एंटर करते हुए हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ माउस के लिए चुनाव करेंगे, इसी तरीके से हम माउस में जो भी यहाँ से प्रोवाइड करेंगे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि हमने होलसेलर के अंतर्गत जो हमने प्राइस लेबल होलसेलर के अंतर्गत लिस्ट बनाई हुई थी उसको हमने यहाँ से बना लिया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलते हैं हम रिटेलर के अंतर्गत जो हमने एक लेज़र बना रखा है उस पर हम डिटेक्ट करके देखते हैं। मुदित हैं हमारे, हमारी पार्टी मुदित पार्टी है, एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मुदित को बाय डिफ़ॉल्ट हमने प्राइस लेवल में रिटेलर डाल रखा है। तो रिटेलर आ गया, सेल्स अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ से हम कीबोर्ड का चुनाव करेंगे। मान लेते हैं हमने 5 पीसेस कीबोर्ड हम इनको सेल कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट 5% डिस्काउंट डिडक्ट होकर के आ गया। अगर इसी को हम 25 कर देते हैं तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे रखे हैं 15% वो आ गया है। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको किया। माउस के लिए हम चले जाते हैं, माउस हमने कर दिया, अगर हम 15 करते हैं तो उसका जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया हमने वो डिस्काउंट डिडक्ट कर जाएगा। अगर इसको हम बढ़ा लेते हैं यहीं पर 21 पीसेस कर दिया तो जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर डिडक्ट कर जाएगा। एंटर करते हुए आते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम बैक करके चलते हैं। आपने देखा कि हम प्राइस लेवल के अंतर्गत जो हमने प्राइस लिस्ट क्रिएट किया हुआ था, प्राइस लिस्ट क्रिएट कर लेने से फ़ायदा क्या था कि हमें रेट वगैरह नहीं डालना पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिक कट करके आ जाता है। तो इससे हमें सेलिंग में जो बड़ी सुविधा हो जाती है, सेल्स को हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं। चलते हैं हम रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट चेक करने के लिए हम डिस्प्ले पर आ जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंतर्गत स्टॉक क्वेरीज होता है, यहाँ पर हम कीबोर्ड या माउस जिसके लिए भी हमें चेक करना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुदित अकाउंट एंड राजेश अकाउंट को जो हमने क्वांटिटी सेल किया हुआ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर इसका हम कीबोर्ड का प्राइस लेवल के आधार पर उसकी लिस्ट को देखना चाहते हैं तो हम यहीं पर F7 प्रेस कर देंगे तो हमें कीबोर्ड का प्राइस लेवल के आधार पर उसकी प्राइस लिस्ट शो कर जाएगी। रिटेलर से रिलेटेड क्या हमने प्राइस लिस्ट तैयार किया हुआ है और होलसेलर पर हमने प्राइस लिस्ट क्या तैयार किया हुआ है वो आपको यहाँ कम्प्लीटली शो कर जाएगा। इसी तरीके से हमें माउस का भी चेक करना है तो हम माउस का भी चेक कर सकते हैं। अलग अलग आइटम का हमें चेक करना है तो हम अलग अलग आइटम का यहाँ से प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हैं प्राइस लेवल के आधार पर। रिटेलर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हमने प्राइस लेवल बना रखा है सबका प्राइस लिस्ट एक साथ ही हम देख सकते हैं। बैक करके आ जाते हैं। अब हम चलते हैं, यदि हम अपने प्राइस लिस्ट में रिवाइज प्राइस सेट करना चाहते हैं या अपने प्राइस लिस्ट को हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम प्राइस लिस्ट पर आ जाते हैं। यहाँ से अगर हमें देखना है तो हम यहाँ से जा करके अपने प्राइस लिस्ट को चेक कर सकते हैं, बट इसमें हमें प्राइस रिवाइज प्राइस चेक करना है। इट मीन्स हमें अपने रेट को या डिस्काउंट को चेंज करना है तो हम यहीं पर Alt प्लस R प्रेस करते हैं और रिवाइज प्राइस का एक मेनू आ जाता है, आप देख पा रहे हैं रिवाइज प्राइस। चाहे फिर हम Alt प्लस R करें या फिर हम बटन बार पर रिवाइज प्राइस Alt बटन को क्लिक कर दें तो आपके सामने विंडो आ जाएगी जिसमें रिवाइज प्राइस स्टॉक ग्रुप एंटर करते हुए हम आते हैं। रिटेलर में हमें कुछ भी अपनी प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। हम चलते हैं, अपने प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से 20 रुपीज़ इंक्रीज कर लिया और हम परसेंटेज को भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जाकर के 2% हमने इंक्रीज कर लिया। आप देख रहे हैं रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड टू व्यू प्राइस लिस्ट, जो हमने अभी यहाँ पर दिया हुआ है वो अपडेट होकर के आगे एक्सेप्ट करके देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं जहाँ 250 रुपये रेट था वहाँ 270 हो गया, जहाँ 5% डिस्काउंट था वहाँ 7% हो गया, इस तरह से 2% सब में इंक्रीज कर गया है और जो प्राइस हमने 20 रुपीज़ किया है वो 20 रुपीज़ रेट में इंक्रीज होकर के आ गया है। तो
इस तरह से हम रिवाइज प्राइस सेट कर सकते हैं। हम बैक करके आते हैं। अगर हमें होलसेलर के लिए भी रिवाइज प्राइस सेट करना तो हम ही अल्ट प्लस आर करते हैं और यहाँ से जाते हैं होलसेलर के लिए भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ यहाँ अमाउंट को डिक्रीज करना है, यहाँ से डिक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपीज़ हमने डिक्रीज़ करा। हम परसेंटेज को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ करना चाहते हैं, हम 1% अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो 1% डिक्रीज़ किया। तो इस तरह से हम डिक्रीज़ करना चाहें या फिर इंक्रीज़ करना चाहें, रिवाइज प्राइस ऑप्शन के द्वारा हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ रेट भी डिक्रीज़ हो गया और 1% भी डिक्रीज़ हो गया है। माउस में और कीबोर्ड दोनों में जितने भी आइटम्स होंगे आपके लिस्ट में, सब में डायरेक्टली डिक्रीज़ कर जाएगा या फिर अगर आपने इंक्रीज़ किया है तो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो आपने देखा कि हम प्राइस लेबल कैसे बनाते हैं, उसके अंतर्गत हम प्राइस लिस्ट को कैसे सेट करते हैं, प्राइस बनी हुई लिस्ट पर हम ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, उसकी हम रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, हम अपने प्राइस लिस्ट का रिवाइज प्राइस हम कैसे सेट करते हैं, कम्प्लीटली आपने इस वीडियो में देखा। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, दोबारा एक दो बार आप वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, तथा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।